हाँ जी, लेट अस रिकॉल द ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन अगेन सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू डू दिस क्वेश्चन। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया था बेटा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमारे पास जो है स्टेप फंक्शन ग्राफ बनता है। तो बेटा इसीलिए हमने आपको क्या कहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हम सी पॉइंट जो भी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं तो उसको टू पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। एक सी इज एन इंटीजर और सी इज नॉट एन इंटीजर, दो पार्ट्स में बेटा इसको डिवाइड करेंगे। अब बेटा देखिए, आपको पता है कि उस दिन मैंने आपको फंक्शन सेलेक्ट करवाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर का ऐसे। ओके बेटा, तो अब मेरे पास जो है, जब हमने लिया कि सी इंटीजर इंटेग्रल वैल्यू हमने जब कंसीडर की, तो अगर मैं सी इंटीजर लेती हूँ है ना, तो बेटा ऑब्वियस है लेफ्ट और राइट से यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट्स में हमने किया हुआ है कि वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट होती। लेफ्ट से अप्रोच करने पे, राइट से अप्रोच करने पे आंसर जो है वो बिल्कुल जो है वो डिफरेंट होता है। तो इसीलिए बेटा जब भी हम यहाँ पर इंटीजर की बात करेंगे, अगर आपको याद हो, देखिए मैं कैसे शो कैसे करेंगे पेपर में, मैं ये रब करने लगी। पहला केस हम लगने लगे हैं केस वन, ऑब्वियस है फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूस एट सी, वेयर जो है मेरे पास सी इज एन इंटीजर। अभी मुझे नहीं पता कि ये ट्रू आएगा कि नहीं ना, हम लेट अस चेक। आपको पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस सी नेगेटिव शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस सी पॉजिटिव शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ सी होना चाहिए। अब बेटा क्लियरली अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, मैं सी नेगेटिव की बात करूं, मतलब मैं लेफ्ट साइड से, अब ध्यान से यहां से समझना है बच्चों ने। वैसे तो आपको अगर प्लस वन में जिस बच्चे ने ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट किया होगा ना, हम क्लियर कट ये बताते हैं कि अगर सी नेगेटिव हो आंसर सी माइनस वन हो हमेशा। वो कैसे आता है मैं आपको बताने लगी हूँ एग्जाम्पल देके। सपोज लिमिट एक्स अप्रोचेस वन नेगेटिव है किसी भी, आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल व्हाई वी राइट दिस सी माइनस वन। अब वन नेगेटिव का मतलब आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, वन नेगेटिव मतलब वन से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, 0.999 ले ले। अब 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जीरो होता है। जीरो कैसे आता है, जीरो मेरे पास हो गए बेसिकली, ये कैसे आया, जो सी की वैल्यू है उसमें से कम कर दो। अगर मैं यहां लिखती टू नेगेटिव, सपोज टू नेगेटिव मतलब 1.98 या 97। अब 1.98 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे पास क्या होता है, वन होता है ना, मैंने ये चीज आपको कल बताई थी। तो वन मेरे पास कैसे आता है, सी माइनस वन। देखो सी इज टू और माइनस वन, देखिए इसीलिए लेफ्ट साइड से जब भी अप्रोच करते हैं ना एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का, लिमिट जो होती है ना वो हमेशा सी माइनस वन होती है। लेकिन जब हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं ना, इसका आंसर हमेशा इससे ही होता है, जो लिमिट है वो ही होता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर देती हूँ। सपोज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव है, ओके, टू पॉजिटिव का मतलब क्या, टू से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा। जब आप टू से थोड़ी सी ज्यादा, मान लीजिए 2.01, ये आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो टू ही होगा, इसीलिए पॉजिटिव जब हम लिमिट लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, जब सी इंटीजर हो, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन सी इज इंटीजर। देखो मैंने यहाँ कोई 2.1 को अप्रोच नहीं कराया, मैंने 1.2 को अप्रोच नहीं करवाया, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीजर। तो लेफ्ट लिमिट सी माइनस वन होती है, राइट लिमिट सी होती है, और ये तो एफ ऑफ सी सी रहेगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू इज टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन इज वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सेवन इज सेवन। तो क्या ये तीनों वैल्यूज इक्वल हैं बेटा,
नहीं इक्वल है, आप कहोगे विच इज नॉट ट्रू। सिर्फ आपने पेपर में ये चीज करनी है। फर्स्ट केस, दीज ऑल आर बेसिकली एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके बेटा, तो मेरे पास दीज आर एग्जाम्पल। तो अब बेटा मैं यहाँ पर क्या करूंगी, आप कहोगे विच इज नॉट ट्रू, देयर फोर वॉट वी हैव टू राइट, देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट जो है एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज एन इंटीजर, यानी इंटीजर वैल्यू पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है ना। अब सेकेंड केस हम देखते हैं, क्या केस है हमारे पास, दैट इज सेकेंड केस इज व्हेन सी जो है वो इंटीजर नहीं। तो लेट अस सी, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लिखेंगे बट हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। सेकेंड केस, व्हेन सी इज नॉट एन इंटीजर। ओके बेटा, तो लेट अस डू, बिल्कुल वही वर्डिंग लिखोगे, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूस एट सी वेयर सी इज नॉट एन इंटीजर, लिमिट मेरे पास एक्स अप्रोचेस सी नेगेटिव जो है, एफ ऑफ एक्स मुझे पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ही है, दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस सी पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ सी। मैं आपको कहती हूँ जब भी समझना है टेक वन एग्जाम्पल फ्रॉम योर साइड। अब सी इंटीजर नहीं है, सपोज इंटीजर नहीं है तो मैं ले लेती हूँ 2.01 सपोज, है ना। अब उसने कहा कि थोड़ी सी कम वैल्यू ले लो, अच्छा चाहे आप 0.75 ले लो मुझे कोई नहीं, सी नेगेटिव का मतलब थोड़ी सी कम वैल्यू, थोड़ी सी कम वैल्यू मान लो मैं 2.70 ले लेती हूँ। बेटा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 ही रहना है, तो दैट मीन्स चाहे लेफ्ट से अप्रोच करें, अगर मैं राइट से अप्रोच करूं 2.75 प्लस कोई बड़ी वैल्यू सपोज मैंने 90 ले ली, तो बेटा रहना तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही है, कोई चेंज नहीं आता तब। तो दैट मीन्स इन दिस केस आंसर जो है मेरा यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सी ही आता है, मैं सी नहीं लिख सकती, मतलब जो है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सी विच इज ट्रू, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी वेयर सी इज नॉट एन इंटीजर। यहां पर इंटीजर नहीं है, वहां कॉन्टिन्यूस है बट अदरवाइज वो कॉन्टिन्यूस नहीं। ओके बेटा, क्लियर, एनी डाउट टू एनी वन, किसी को कोई डाउट यहां पर? चलिए ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल जो है बेटा 15 जो कल हमारा जो है बेसिक क्लियर हो गया था बट वो हमने करना था तो वो हमने क्लियर कर लिया। ओके बेटा, तो नाउ लेट अस डू, मेरे पास जो है हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ये पता चले कि हमारे पास जो है कैसे हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो फॉर दैट बेटा हमारे पास जो है नेक्स्ट है एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.1, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस। ओके, सो दैट आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले पहले क्वेश्चंस बहुत इजी हैं बट एक ओवरव्यू हम करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 5.1, ओके, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द फंक्शन दैट इज गिवन टू यू दैट इज 5x-3 is continuous at x is equal to 0, x is equal to minus 3 and x is equal to 5. We will do only one part, other part you can do yourself. Okay? हाँ जी, 0 पे चेक करना है, function है कि कोई left कोई right पे कुछ change नहीं हो रहा बेटा, तो आप क्या लिखोगे, for f of x to be continuous, बेटा this is also the way how you represent the question I am doing with the other method. Means that is not a other method, just representation is different.
to be continuous at x is equal to 0, limit x approaches 0, f of x equal to f of 0. ये आपने definition लिख दी. Okay, अब आप क्या करोगे? Definition आपने mention कर दी, तो what you have to do, आप लिखो left hand side. That is limit x approaches 0. ये left hand side है, ये right hand side है ना? तो आप अलग अलग show कर सकते हो. Okay, तो for that बेटा आप क्या करोगे यहाँ पर f of x की वैल्यू 5x minus 3 सिंपल सॉल्व करो 0 minus 3 आंसर इज minus 3. मार्क दिस इक्वेशन 1. नाउ राइट हैंड साइड f of 0 दैट इज आप फंक्शन में x की जगह 0 वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपके पास जो है 0 minus 3 आंसर इज minus 3. फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन राइट ओके फ्रॉम equation 1 and 2 we get jo hai limit x approaches 0 f of x is equals to f of 0 hence jo hai f of x is continuous at x is equals to 0. Okay beta, clear? Any doubt to anyone? Again, maximum student has off the video. Who is this Divyansh? Hanji, Kartik, Srishti beta, Rana, Prabnur, Mehak, Hashika, Fateh, Saransh. Please on the video beta. Don't insist me to repeat your name again and again. You all are very good beta. वेरी नाइस राना. चलिए बेटा नेक्स्ट इस काम करते हैं. सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम होमवर्क है आपका. नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 3. इसके दो पार्ट्स और सेकंड क्वेश्चन दैट इज योर होमवर्क. ट्राई योरसेल्फ. बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हो. जस्ट एफ ऑफ एक्स चेंज हो रहा है ओके और पॉइंट भी मेंशन है. अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 what they have written. Examine the continuity of a function. Beta dekhiye aapko a part mein kya diya hua hai. F of x is given to x minus 5. Koi bhi aisa point nahi hai jahan par ye problem create kar raha hai. Koi critical point nahi hai. Critical point ho to problem aaye aapko, hai na beta? To simple, aapko pata iski domain kya hai? All real. कोई भी प्रॉब्लम नहीं तो आप क्या लिखोगे? लेट, क्योंकि यहाँ कोई पॉइंट मेंशन नहीं है. जब भी पॉइंट मेंशन ना हो तो आपको क्या करना है? लेट सी बिलोंग्स टू ऑल रियल. आप रियल को ले लो और कोई केस नहीं बनना. सिंपल, लेट सी जो है बिलोंग्स टू आर बी एनी रियल वैल्यू जो है या रियल नंबर. तो आप क्या करोगे? वी हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी एट सी. तो सिंपल फिर वही लिमिट. अब मैं कोई वर्डिंग नहीं लिख रही हूं, आपको पता चल गया है एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ सी के इक्वल कर. बिल्कुल वही पैटर्न आप लिख सकते हो. लेफ्ट हैंड साइड मैंने कर रही हूं तो लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स. वही जब कोई पॉइंट ना दिया हो बस उसके डोमेन में पॉइंट ले लीजिए और सी माइनस फाइव. राइट हैंड साइड देखो तो एफ ऑफ सी तो मेरे पास सी माइनस फाइव. Left hand side is equal to right hand side. Hence the function is continuous in its domain. Okay beta, clear? अगर मैं अगला question देखूं, है ना, इसी में next देखूं, तो मेरे पास एक part में क्या दे दिया है? उन्होंने b part में 1/a कर दिया और x not equal to 5. 100% है बेटा. जब उसने 1/a किया, क्योंकि x पे मैं function को define ही नहीं कर सकता, 5 पे जब मैं डिफाइन ही नहीं कर सकती तो बेटा व्हाई शुड आई कंसीडर दैट पॉइंट. तो यहां पर मैं सी बिलोंग्स टू आर माइनस फाइव ऐसे भी लिख सकती हूं या मैं सी बिलोंग्स टू इट्स डोमेन. और आप लिखोगे डोमेन इज रियल माइनस फाइव. आप पॉइंट फाइव नहीं ले सकते यहां. बस क्वेश्चन तो वही है ना, सिर्फ सी की वैल्यू फाइव नहीं लेनी. बिल्कुल एज इट इज यहां पर वन ओवर एक्स माइनस फाइव
यहां पर वन ओवर सी माइनस फाइव सेम वन ओवर सी माइनस फाइव, मुझे पता है कि सी फाइव नहीं हो सकता तो 100% ये डिफाइंड टर्म्स आएंगे। बात क्लियर हुई कि जो क्रिटिकल पॉइंट है आप, अच्छा एक मेथड आपने ये कर लिया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कई बच्चे क्या करते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, फाइव आपने क्रिटिकल पॉइंट लिया मतलब, तो उसके लेफ्ट पे एक केस बना देते हैं, उसके राइट पे एक केस बना देते हैं, क्योंकि फाइव वाला पॉइंट नहीं ले सकते आप। फाइव वाला पॉइंट क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उसके फंक्शन भी पॉइंट नहीं है बेटा, क्योंकि वो डोमेन में नहीं, तो वो आपकी मर्जी है। आप कंबाइंड यहाँ सी डिफाइन कर दो। कई क्वेश्चन में केसेस बनाने बहुत जरूरी होते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन में आपकी मर्जी, आप सी लेस देन फाइव ले लो, आप सी ग्रेटर देन फाइव ले लो, यहाँ कोई फंक्शन में चेंज थोड़ा होना है, तो इसीलिए मैंने कंबाइंड फंक्शन ले लिया। फंक्शन तो वही रहना है, एफ ऑफ एक्स इज वन ओवर एक्स माइनस फाइव, एफ ऑफ एक्स इज वन ओवर एक्स माइनस फाइव, तो दैट्स व्हाई आई कंसीडर द सेम केस। मैंने वहीं पे कर दिया, आई हैव नॉट मेड द टू केसेस। आपने दो भी बना दोगे तो कोई नंबर नहीं कटेंगे। ओके जी, एनी डाउट टू एनी वन, एनी डाउट? हाँ जी बेटा फतेह, इज इट क्लियर टू यू? फतेह? यस मैम। ओके चलिए बेटा, नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है इसी में देखिए, थर्ड पार्ट, लेट अस डू द क्वेश्चन। थर्ड पार्ट बेटा, सी पार्ट जो है सेम। अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस हियर, हियर एफ ऑफ एक्स इज गिवन टू यू एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स प्लस 5 वेयर एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5। एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस 5 नहीं हो सकती है ना, तो यहां पर जो है सेम आप कैसे करोगे, अगेन आप सी कोई डिफाइन कर दीजिए। आपने सी डिफाइन किया, रियल नंबर को बिलोंग करता है, बट आपने लेना है कि सी जो है वो माइनस फाइव के इक्वल नहीं हो सकता। कीप इन माइंड दिस थिंग। लेकिन जब आप लिमिट सॉल्व करोगे ना, यहां पर भी कोई लेफ्ट कोई राइट लेने की जरूरत ही नहीं। आपने जब लिमिट सॉल्व करनी है तो आपने सीधा बेटा यहां पर कैसे लिख देना है, मैं ले रही हूं लेट सी बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस। ओके, तो फिर वही फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूज, ठीक है, एट सी। तो आप क्या करोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। अब बेटा देखिए, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूं, लिमिट को अप्रोच करना है ना, लिमिट की वैल्यू को सी एफ ऑफ एक्स। अब मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स प्लस 5, मैं इसको पहले सॉल्व करूंगी। जब मैंने सॉल्व किया, क्योंकि अब हम लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं, तो लिमिट को सॉल्व करने का मेथड क्या था हमारे पास, कि हम क्या करते थे, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगी तो x प्लस 5 x माइनस 5, यहाँ x माइनस 5 आएगा तो c माइनस 5 इज लेफ्ट। ओके, c माइनस 5 इज लेफ्ट। तो अब क्या करेंगे बेटा, मेरे पास यहां पर दूसरी साइड राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड यहां पर करूंगी तो मेरे पास जो है f ऑफ c, तो c स्क्वायर माइनस 25 ओवर c प्लस 5। फिर आप करोगे तो ऑब्वियस है, c माइनस 5 इज लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूज इन इट्स डोमेन, या द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूज ऑन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 5। ओके बेटा जी, क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो यू जस्ट रेज योर हैंड बेटा, पूछा कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि हमने ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो मेरे पास जो है मॉड वाला क्वेश्चन, अब देखिए मॉड वाले में कोई वैल्यू नहीं ना दी, कोई वैल्यू नहीं दी। आप बहुत मेथड से कर सकते हो, आपको पता है यहाँ क्रिटिकल पॉइंट जो है, अगर डी पार्ट में मैं देखूं एफ ऑफ एक्स
मॉड एक्स ये है। अगर मैं क्रिटिकल वैल्यू यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ तो बेटा 100% मेरे पास जो है कैसे हो सकता है x माइनस फाइव व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। अगर इक्वल टू नहीं भी लेना यहां जीरो x इक्वल टू फाइव, आपको पता है माइनस x माइनस फाइव व्हेन x लेस देन फाइव। आप ये ऐसे केसेस भी बना के, क्योंकि यहाँ फाइव पे सिर्फ चेक नहीं करना, मुझे कोई पॉइंट नहीं मेंशन भी, तो यहाँ आपको थ्री केसेस बनाने चाहिए। एक तो ये है, फर्स्ट केस सी लोगे जो है ग्रेटर देन फाइव, सेकंड केस सी लोगे लेस देन फाइव, थर्ड केस सी लोगे इक्वल्स टू फाइव। यहाँ पर लेफ्ट राइट और एफ ऑफ सी पे, नहीं तो यहाँ तो फंक्शन ही एक है। और मैंने आपको कल भी बताया था, आप लिख सकते हो सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज व्हेन सी लेस देन फाइव। सेम हियर, सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ जो है पॉलिनोमियल फंक्शन और लीनियर मेरे पास ये है पॉलिनोमियल, तो आप कह सकते हो कि ये कॉन्टिन्यूज रहेगा, ये भी कॉन्टिन्यूज रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप इसको चेक करने के लिए, क्योंकि फाइव के लेफ्ट पे फंक्शन ये है, राइट पे ये है, फाइव पे वैल्यू ये है, तो आप बेटा प्रॉपर करके दिखाओगे। एक मेथड तो ये है, अगर मार्क्स पे डिपेंड करता है, मैं आपको बताऊं, अगर आपके थ्री मार्क्स का है तो आप प्रॉपर केसेस बनाओगे। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर वन नंबर में हो, एमसीक्यू टाइप ना हो, जस्ट वन नंबर में, इतना टाइम तो नहीं हम सारे केसेस करने, तो तब हमें क्या करना चाहिए, है ना? तो मार्क्स के अकॉर्डिंगली हमें सेटिंग करनी चाहिए थोड़ा सा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में होता है अदर मेथड। देखिए, आपको पता है मॉड का आंसर मतलब बेसिकली ये प्लस माइनस ही होता है डिपेंडिंग अपॉन एक्स। अगर एक्स फाइव से बड़ा है तो आंसर पॉजिटिव, एक्स फाइव से छोटा है तो नेगेटिव बाहर लगाना पड़ता है, तभी नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। तो चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, रहना तो ये पॉलिनोमियल ही है ना, लीनियर ही है ना। तो क्या करोगे आप, सिंपल लिख सकते हो अगर वन नंबर में, सिंस जो है कि मॉड एक्स माइनस फाइव इज प्लस माइनस दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर, तो आप यहां पर मेंशन कर दोगे फिर कि सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल, और मेंशन कर दो लीनियर टाइप है ये, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। बात समझ आ गई बेटा? थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। क्लियर टू यू? कोई डाउट बेटा यू कैन आस्क मी, कोई डाउट है यहां तक? नो क्वेश्चन, सब कुछ क्लियर? चलो, वेरी नाइस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं बेटा। देखिए सेम मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आपको एफ ऑफ एक्स एक्स की पावर एन दी है और कहा है कि प्रूफ करो ये कॉन्टिन्यूज है। एक्स पावर एन एक पॉलिनोमियल है, सिंपल लिमिट एक्स अप्रोचेस एन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एन के इक्वल प्रूफ कर दीजिए। वेरी इजी टू डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, है ना, सिक्स टू ट्वेल्थ सेम है, बट वहां पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बतानी है, मैंने एग्जाम्पल में बताई थी, फिर भी हम टू क्वेश्चन एटलीस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको प्रेजेंट कैसे करना है क्वेश्चन को वो पता चले। ओके, लेट अस डू, आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर सेवन, जहां मॉड वाला थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स प्लस थ्री इफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस थ्री, माइनस टू एक्स इफ माइनस थ्री लेस देन एक्स लेस देन थ्री, सिक्स एक्स प्लस टू इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू। मुझे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज पूछी उसने कहा, तो बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, नॉर्मली जो पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज हम चेक करते हैं ना, वो क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स मैं बार बार कहती हूँ इस क्वेश्चन में, मैं क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स कहती हूँ जो फंक्शन चेंज होता है उस वैल्यू,
जैसे -3 से कम वैल्यू पे ये फंक्शन, -3 से ज्यादा वैल्यू पे ये फंक्शन है ना, उसी पे चेक करेंगे। तो उसको चेक करने का तरीका केसेस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मुझे पता है 3 से कम वाले पे फंक्शन सेम है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ -3 इज द क्रिटिकल पॉइंट, तो उस पे चेक कर लो। कैसे, आप केस बनाओ, फर्स्ट केस फर्स्ट जो है, लेट जो है सी बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट मेरे पास सी की वैल्यू -3 ले, इस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 नेगेटिव, -3 उसका नेगेटिव मतलब लेफ्ट लिमिट। अब मैं अलग अलग साइड करूंगी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे मॉड लिमिट एक्स अप्रोचेस -3 नेगेटिव मॉड एक्स प्लस 3, आपको पता है ये -3 है, नेगेटिव वाले पे मॉड क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस -3 नेगेटिव, ये -x बन जाएगा। तो जब आप -3 पुट करोगे तो ये 3 + 3 इट बिकम 6। ओके, अब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे पास जो है राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस -3 + अब मैं सीधा फंक्शन की वैल्यू लिख रही हूँ, पुट करते हैं ना -3 तो ये भी 6 आ गया। ओके, और अब एफ ऑफ -3 -3 mod + 3 देखिए 3 + 3 ये भी 6 आ गया। इसका मतलब -3 जो है वो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। अब किस पे चेक करें, 3 पे चेक करें ना। तो जब मैंने 3 पे चेक करना है, अब मैं यहीं पे चेक चेंज करके आपको बताती हूँ। नेक्स्ट सेकंड केस पे मेरे पास होंगे 3 पे, जब मैंने 3 पे लिया, देखिए 3 पे लेफ्ट लिमिट लेनी तो वो क्या आएगा -2x। ओके, तो जब मैंने 3 पे लिया, फंक्शन ही चेंज होना है ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, जब मैं यहां पर देखूंगी तो मैंने वैल्यू पुट की 3, when I am putting the value 3, it become -6. अब यहाँ पर देखूंगी तो 3 पे, 3 से बड़ी, फंक्शन क्या चेंज हो जाएगा, 6x + 2। तो 3 पुट किया, ये 18 + 2, देखो क्या आया, 20 आ गया, यही नहीं मैच कर रहा, आगे तो वैसे करना चाहिए मेरे पास। तो 3 पे देखूंगी तो ये भी कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो क्लियर कट, आप क्या कहोगे, विच इज नॉट ट्रू ना फॉर ए फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूस, क्योंकि उधर आ रहा है -6, बाकियों में 20 20। तो आप कहोगे देर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, वो क्या पॉइंट है, दैट इज 3। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन है वही है, चेक करने की बजाय आपको पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पूछे। अब जब अगर हमें कहते हैं ना डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, तो मुझे और भी केसेस साथ में डिस्कस करने पड़ते हैं, पहला केस बनाना पड़ता है। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, देखिए अगर मुझे आता चेक द कॉन्टिन्यूटी तो मेरे केसेस क्या बनते, अगर 3 या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट केस मैं कहती सी लेस देन इक्वल्स टू -3, फर्स्ट केस। ठीक है, सेकंड केस मैं कहती सी ग्रेटर देन -3 < 3, थर्ड केस मैं क्या लेती बेटा सी ग्रेटर देन 3, मतलब जो यहां दिया होता है ना इक्वल टू छोड़ के आपने वो पहले 3 केस बना देने, और क्लियर कट लिखना है कि आप अगर -3 लेते हो तो आपका फंक्शन ये -x + 3 हो जाना है, ये मॉड चेंज हो जाता है नेगेटिव में क्योंकि छोटी वैल्यू ले ली। तो आप कहोगे दिस इज द लीनियर फंक्शन सो इट इज कॉन्टिन्यूस, मेंशन कर दो लीनियर किसका पार्ट है, पॉलीनोमियल। सेम यहां पर क्या है f(x) -2x, यहां पर क्या है अगेन ये। अब फोर्थ केस हमने व्हेन सी इज इक्वल टू -3, फिफ्थ केस में जाके प्रॉब्लम आती है हमारे यहां पर, then c is equal to 3, यहां तक कंटिन्यूस आ जाएगा
बट यहाँ पर वो नॉट कॉन्टिन्यूस। बात समझ आई बेटा सबको? पता चला व्हाट आई वांट टू से? मैंने इस क्वेश्चन को मोल्ड करके आपको बता दिया कि कैसे केसेस बनाने हम। अगर यही एमसीक्यू टाइप में होता तो इतना थोड़ा करना है हमने। तब आपको मैं बार बार कह रही हूँ क्रिटिकल पॉइंट्स पे बस देखना। लेकिन अच्छा यहाँ पर अगर यही मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाता, आप एक्स की वैल्यू माइनस थ्री से छोटी ले रहे हो तो वो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। तब भी सिर्फ वो माइनस थ्री पे ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, क्योंकि इंटीजर्स पे ही करते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान से कंसिडर कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। समझ आ गया बेटा? तो अब आपका जो होमवर्क है बेटा, ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस अप टू, मैंने आगे भी दिया था 12 क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, 13 ये सब सेम टाइप है। इवन 14, 15, 16 जो मैंने अभी डिस्कस किया ना केसेस बनाने वाला, ये कॉन्सेप्ट है 14, 15, 16 में। ओके, 16 तक मैंने रोल नंबर वाइज जितने भी बच्चे होंगे, आई कैन आस्क एनी प्रॉब्लम, हाँ जी बेटा शो मी दिस इन योर कॉपी अप टू 16। जो क्वेश्चन नहीं आता लीव द स्पेस, आपने ट्राई करना है 16 तक। दैट इज योर असेसमेंट ऑफ दिस टर्म, फर्स्ट असेसमेंट ऑफ दिस टर्म यू हैव टू डू अप टू क्वेश्चन नंबर 16। चाहे आपकी 10 प्रॉब्लम्स हो, नो टेंशन, आप मेरे से पूछो, वी विल डिस्कस टुमारो। फर्स्टली प्रॉब्लम्स विल बी डिस्कस आफ्टर देन, द क्वेश्चंस फ्रॉम 17 ऑनवर्ड विल बी डिस्कस इन द क्लास। ओके बेटा, क्लियर? एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनी एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क बेटा?